पीएम मोदी ने प्रयागराज में करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, महाकुंभ के लिए स्थापित किया कलश। पीएम मोदी ने संगम की भूमि पूजा को किया प्रणाम और कहा कि प्रयागराज में रचा जा रहा है नया इतिहास। लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह, 100 बात की एक बात, कांग्रेस को जब संविधान और सत्ता में एक को चुनना था तो उन्होंने सत्ता को चुना। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान संशोधन नहीं बल्कि बदलने का काम किया है। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तंज, कहा एक नेता संविधान के प्रति जेब में लेकर चलता है और उन्होंने अपने पूर्वजों से यह सीखा है। राजनाथ सिंह बोले, एक पार्टी विशेष ने संविधान निर्माण के लिए काम को हाईजेक करने की कोशिश की। लोकसभा में बोले प्रियंका गांधी, वाड्रा, संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, इंसाफ की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली बीजेपी ने संविधान का सुरक्षा कवच तोड़ने का काम किया है। प्रियंका गांधी बोली, जो नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसे लागू क्यों नहीं करते, 10 साल क्यों, आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी। राज्यसभा में गरजे जगदीप धड़कर, कहा मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। धनखड़ के बयान पर खड़गे ने किया पलटवार, कहा मैं भी मजदूर का बेटा। सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता विपक्ष खड़गे की बीच हुई तीखी बहस, खड़गे ने कहा सदन परंपरा और नियमों और निष्पक्षता से चलेगा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में हुए हंगामे पर कहा, खड़गे जी जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत गलत है, वो खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कांग्रेस पर तंज किया, कहा कांग्रेस किस तानाशाही की बात कर रही है, वो तानाशाही में हिटलर को टक्कर देगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, इससे कई लाख करोड़ की बचत होगी, विपक्ष को इस बारे में क्या पता है, इससे जनता का पैसा और समय बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, देश के हित में जब भी कोई काम होता है तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, यह इतिहास और जन चिंतन की भावना से लाया गया कानून होगा। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा, विपक्ष सब में कुछ न कुछ नजर आता है, विपक्ष को एक राष्ट्र एक चुनाव में बुरा क्या है, इसमें तानाशाही क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, यह हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है, संसद में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, संविधान को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है, संविधान ही है जो रास्ता दिखाता है, यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, हम इस पर बैठेंगे और इस पर एक राय बनाएंगे। पीएम मोदी ने संगम में पूजा अर्चना की, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी रिवर क्रूज पर सवार होकर ओरेला से संगम की ओर पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रयागराज में श्री अक्षयवट मंदिर में पूजा अर्चना की, राज्यपाल के साथ सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। भाग्यनगर भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, एक महिला की हुई थी मौत।